Assalamualaikum guys, welcome back to the Khan Vlogs. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो गाइज, गाँव से वापस आने के बाद मैंने आपको अपना सन टैंड चेहरा भी नहीं दिखाया, देख लें, जस्ट किडिंग। खैर, मैंने सोचा गाँव से आ गई हूँ, आपसे सलाम दुआ भी नहीं की, और ये कि मैंने आपको बताना था कि यार देखो, मैं जब गाँव गई, मैं इतने सारे प्लान्स लेके गई थी कि मैंने गाँव में जाके ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, और मतलब द लिस्ट गोज ऑन। लेकिन गांव जाके पता चला कि बेटा, तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है, यहाँ पर सर्दी ने तुम्हारी ऐसी शामत लगानी है ना कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो जो मुझसे हो पाया, जो मुझसे बन पाया, वो मैंने बनाया और मैं आपको वो दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपना सारा ट्रिप दिखाऊंगी, ये वो। अब आई होप आप लोग इसको पसंद करेंगे। ये छोटी सी काविश थी, असल में घर में जब मैं होती हूँ, मैं पूरे घर को चुप करवा के रूम में आके व्लॉग बनाती हूँ, जिसमें ज़ीरो बैकग्राउंड ऑडियो होता है, ज़ीरो सब कुछ, इन्वायरमेंट क्लीन, क्लियर, सब कुछ, लाइटिंग सब कुछ सही सही। लेकिन गांव में कुछ भी कंट्रोल में नहीं था, वहाँ पर इतना शोर था, बैकग्राउंड में आपको हर जगह आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। और ये भी है कि वहाँ पर हम लोग पश्तो में ही ज़्यादा बात करते थे, तो जो नॉन पश्तो व्यूअर्स हैं हमारे, उनको काफ़ी मसला पेश आ रहा होगा। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं सब टाइटल्स ऐड करके आपका ये जो मसला है उसको थोड़ा कम करूँ। और बाकी अब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन व्लॉग्स पर भी बहुत प्यार बरसाएंगे, जैसे आप हमारे एजुकेशनल वीडियोस पर प्यार बरसाते हैं, क्योंकि ये चैनल हमारा स्टडी रिलेटेड चैनल नहीं था, जो कि मैंने बना दिया है पता नहीं कैसे। लेकिन आई होप अब आप लोग ऐसे व्लॉग्स को भी पसंद करेंगे, ताकि मुझे हर टाइम बैठ के रिसर्च ना करनी पड़े आप लोगों के लिए, बल्कि हम लोग थोड़ा फन भी करें साथ में, और थोड़ी एक्साइटिंग वीडियोस भी आए, थोड़ा सा हमारा डेली लाइफ का भी चलता रहे। तो आई होप आप लोग इन व्लॉग्स पे भी प्यार बरसाएंगे, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आएंगे। तो आप लोग भी देखें और अपने ढेर से ढेर ढेरों फ्रेंड्स को भेजें कि वो भी देखें कि पाकिस्तान में ही केपीके में, गांव में कैसी लाइफ होती है। मैं इस्लामाबाद से गई थी, वहाँ की लाइफ यहाँ के फुल 360 डिग्री ऑपोजिट थी। तो आई होप आप लोगों के भी ऐसे गांव होंगे, और अगर आपके गांव के रिलेटेड कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग वो कमेंट में बताएं, मैं रीड करके खुश होंगी, मुझे अच्छा लगेगा कि यार पाकिस्तान के किसी कोने में ये भी होता है। लेकिन ब्लॉग देख के फिर कमेंट कीजिएगा, ये ना हो कि आप लोग कमेंट करने बैठ जाए, ब्लॉग ही ना देखें। तो आई होप इतना इंट्रो काफ़ी था, अभी हम लोगों ने जहाँ पर पिछली वीडियो रोकी थी वो देख लेते हैं आगे। और ये कि अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो अभी यहाँ पर रोक के वो देख के आए, उसके बाद ये देखें। ओके, सी यू लेटर, बाय। गाँव की असल सौगात मतलब अगर आप गाँव आओ और आपके घर में गाय ना हो। हाँ दी माँ बवा पलवर वलवे जो होने डारी है जम जब दिलास नहीं समझा बवर जम तमक। हाय काउई, इसका नाम मैं रख के जाऊंगी कुछ, ठीक है। हारी दस भी नाम ची शायद स्पी नाम स्ता चेरे चे नाम है बस स्पैदा। ओके हाय स्पै Feels like you are दा दा खजूर कुछ भी दा बैठक दा वाह दा बकरना दा आसवा गुलान दिया का अच्छा दा बकरना दा बकरना बकरना ये हसबुल्ला का कोई बिछड़ा हुआ रिश्तेदार लग रहा है मुझे इतना क्यूट लग रहा है यार। अच्छा हादी हमें लेकर जा रहे थे खाने में, जी खिला सकम। और हादी का मुंह रेड हो गया। राजा वही देखो सब मगा था दौरा की जो खूब ना पूछे राजा चौकता खोने थे खाने जे चौकता खोने चेक चेक 1 2 3 नाइस नाइस लाइक वी हैव अ बेसमेंट ओवर हियर रजो साल था कतर सुवार दसे दस देवा रकम ये सारी मेरे चाचू की जमीन है। अबू आज मुझे निकाल के लाए हैं दिखाने, ये सारे चने इन लोगों ने वो किए हैं।
क्या कहते हैं बोए हैं जो कि अभी बड़े होंगे। ग्रीन चने दामुटो वाले आगा चक्कम आगा ची दी अकरे ली ची दी मैं जगह चला रहता ना नस्त दा खाली दा खाली वो डकी जी का ना दा गुलान दा दिनिसिया दा उदो दा टोले दा उतो दा टोले दा चक्कम ये निवली दी का ना दे वो सला मौसम ने दा दूर डक इसले माशाल्लाह। ये मेरे चाचू का घर जो मैं आपको बता रही थी बार बार 14 कनाल का घर, ये सारी उनकी जमीन है। दर्जू वो सामने जो है वो वाइट वाला वो मेरे चाचू का होटल है जो कि उन्होंने बनाया था, और ये बाकी बाकी ये सारा उनका अपना जाती, मतलब ऐसे लगता है आपका अपना अलग से गांव है। चलें नाश्ता तैयार हो गया, अब हम चलते हैं अंदर। आई एम इन लव विद दिस व्यू, इतना प्यारा व्यू, लाइक सीरियसली सो मैजेस्टिक, आई लव इट। यार मैंने पिक्चर्स लेनी है लेकिन नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। तो गाइज अभी मैं, मेरा दिल नहीं भर रहा था नाश्ता करके, मैं दोबारा भाग के आई हूँ यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर जो मंजर है ना, जो मैं चीज़ मैं विटनेस कर रही हूँ, शायद कैमरे में वो चीज़ नज़र नहीं आएगी आप लोगों को, लेकिन जो मेरी आंखें देख रही हैं, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको सेव कर लूँ, कुछ करूँ कि ये बस मेरी आंखों में ये जो सीनरी है ना सारी, ये बस जाए। और ऊपर से इतना हरा हरा सब कुछ है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा है मुझे। ज़रा वहाँ पर दिखाएं वो सारे, ये सारे मैंने बताया है ना, ये सारे जो हैं ये मेरे चाचू के खेत हैं, और ये उनका इतना बड़ा घर, यहाँ से लेकर वहाँ 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 जितना भी मुझे नज़र आ रहा है वो सारे मेरे चाचू के खेत हैं। एंड आई एम जस्ट लविंग दिस सीन। अब मुझे फील हो रहा है कि मैं सच में गांव में आई हूँ। आई विश मुझे पहले पता होता कि घर के पीछे दरवाजे से निकल के यहाँ पर चाचू के सारे खेत हैं, तो मैं यहीं पर बैठी रहती पूरे दिन, मैं घर में ना बैठती। लेकिन कोई नहीं, भी हम लोग अभी यहाँ पर मज़ा करेंगे, और काश यार पहले पता चल जाता हम यहाँ चैलेंजेस कर सकते थे। कोई नहीं, अगली दफ़ा हम लोग आएंगे ना तो उस टाइम पे हम लोग इंशाल्लाह ये सारा वैसे ही, मतलब इससे ज़्यादा हरा भरा होगा, और हम लोग यहाँ पर अच्छे अच्छे मज़े मज़े के चैलेंजेस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग पिक्चर्स लेते हैं। ओके जाने ब्लू वाले पार्क जाने, अक्षय ब्लू झूले दी का ना, ब्लू वाले पार्क जाने, देसी देसी गेहूं की देसी चाय। मैडम जैनब आप क्या कर रही हैं? मैं गांव की चटनी बना रही हूँ, गांव की चटनी। ये चटनी नज़र नहीं आ रही हमें, क्यों? ये एक मिनट। अच्छा, प्यारे प्यारे हाथों से हम प्यारी प्यारी चटनी बनाएंगे। हाथ प्यारे नहीं है, चटनी प्यारी है। अलबत्त व्हाट एन अरोमा, मुझे लग रहा है जैसे वो जड़ी बूटियों का वो नहीं बनाते कुछ लेप। और ये वहाँ पे आपने क्या करना मचाया हुआ? वो मैंने नहीं मचाया, वो हादी ने सब गिराया, वो मैं उठा लूंगी, अब टेंशन ना ले। और अम्मी पीछे बैकग्राउंड में हमें गांव का माहौल प्रोवाइड कर रही हैं, वो बातें कर रही हैं सारी। सही है, तो गाइज आज का दिन कुछ इस तरह था। हादी आज का दिन कुछ इस तरह था, बहुत 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 ज़्यादा सर्दी है और मेरी नाक फ्रीज हो रही है, और जिस जिस टाइम तक धूप थी तब तक तो मैं पीछे बैठ के धूप में अपने आप को गर्म कर रही थी, लेकिन उसके बाद से अब मैं कंबल में घुसी हुई हूँ, खाना खा के कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रही है, तो अब हम लोग बस कंबल में बैठ के अपने कज़न वाली नाइट टॉक करेंगे, उसके बाद सोएंगे, और कल एक नए चीज़ के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, हम भी आपको याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।